نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا سب لوغ इंशाल्लाह ताला आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 119 सूरह अल बकरा. लेट मी शेयर द स्क्रीन. जी इन्ना बेशक हमने अरसलना भेजा हमने का आपको. ये जो नून है ये प्रोनाउन की बिल हक की साथ हक के बशीरम खुशखबरी देने वाला वनजवीरन और डराने वाला बनाकर वला और ना तुस अलु तुमसे सवाल किया जाएगा अन बारे में अस्हाबिल साथियों के अलजहीम जहन्नम के. यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है कि हम बेशक हमने आपको बशीरम व नजीरम बना के भेजा क्योंकि खुशखबरी किस चीज़ की कि जो उनकी बात मानेगा और अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा और रसूल पर ईमान लाएगा कुरान पर ईमान लाएगा और अमल करेगा उसके अकॉर्डिंगली तो उसके लिए ग्लैड टाइडिंग्स है कि उसके लिए कामयाबी है और कामयाबी के जन्नतुल फिरदौस. और उसके बाद नजीरन कहा कि हर नजीरन के वॉर्न करने वाला बनाकर भेजा गया साथ में कि वो वॉर्न कर दें लोगों को कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हारा जो है मतलब कि तुम खुद जिम्मेदार होगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा अगर तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया और इसी हालत में मर गए तो फिर उसका जहन्नुम ठिकाना है. और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि जहन्नुम में लोग क्यों गए जहन्नुम वालों से ये के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा. तो क्या पता चला कि हर नबी का यही मैसेज था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी नबी आकर यही मैसेज दिया और हम हर बंदा जो दाई दीन है उसका भी यही मैसेज होता है. कुरान का पूरा मैसेज यही है कि ग्लैड टाइडिंग्स फॉर दोज हु अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें और डराने वाला बनाए ताकि लोगों को वॉर्न किया जाए ताकि वो बुरे आमाल करने से बच जाएं और बुरे अंजाम से बच जाएं. देखिए जब हमें कोई थंडर स्टॉर्म आना होता है तो वो कितना टीवी में हमें वार्निंग दी जाती है बार फोन्स पे वार्निंग आती है कि आप अपने आप को बाहर ना निकलें अपने आप को घर में रहें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर चाहते हैं. तो अल्लाह से ज़्यादा कौन अपने बंदों के लिए बेहतर चाहेगा. तो अल्लाह ने अपने अंबिया को इसी पैगाम के साथ भेजा और कि फिर आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा वलन और हरगिज नहीं. आयत नंबर 120 पर दो राजी होंगे राजी होंगे आंका आपसे अल यहूदु यहूद वा और ला नहीं अन नसारा ईसाई अन नसारा हत्ता यहां तक के तत्तबिआ तुम पैरवी करो. ये ता है ये अटैच प्रोनाउन है तत्तबिआ तबाह करना पैरवी करना कि तुम पैरवी करने लग जाओ मिल्लत की मिल्लत मतलब तरीके की हम उनके
ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके और फिर हम सब के लिए भी यही मैसेज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, हरीस थे वो लोगों के जो है समहाउ सब लोग ईमान ले आए, और अगर यहूद और नसारा के उलमा ईमान ले आएंगे तो उनके फॉलोअर्स, उनकी जो कौम के लोग हैं वो सब ईमान ले आएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि तौरात जो है वो सबके पास नहीं थी, उलमा के पास थी। तो अगर उलमा ईमान ले आएंगे तो फिर तमाम उनके फॉलोअर्स भी ईमान ले आएंगे, तो तमाम लोग ईमान ले आएंगे, और क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। तो यही उन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें, इस मुगालते में ना रहें कि आप इनसे ये आपसे राजी हो जाएंगे, ये आपसे हरगिज यहूद और नसारा आपसे कभी राजी नहीं होंगे, यहाँ तक कि आप उनके तरीके की पैरवी करने लगें। अब देखिए, उनके तरीके की कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैरवी नहीं करते ना, लेकिन हमारे लिए भी है कि हम अपने उनको खुश करने के लिए उनके तरीके को अपना लें और अल्लाह का तरीका छोड़ दें। ये हमें बताया गया है कि वो कभी भी हम उनको राजी नहीं कर पाएंगे। फिर आगे क्या फरमाया, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदा वाही हिदायत, अल्लाह की हुवल हुदा वही है हिदायत, वा और लइन अलबत्ता अगर, ये जो लाम है लाम के ऊपर फतहा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये है अलबत्ता यानी कि फशोर जरूर, और अलबत्ता अगर इत्तबाता पैरवी की तबता के ऊपर फतह आई है, तो ये हमने कहा था कि ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन तुम मेल, वलाइनित्तबअता और अगर पैरवी की तुमने अहवा, हवा कहते हैं ख्वाहिश को, अहवा प्लूरल ख्वाहिशों की, हुम उनकी, बादा बाद अल्लजी इसके जो जा का आया आ तेरे पास से, मिनल इल्मी इल्म से, माँ नहीं लगा तेरे लिए नहीं होगा तेरे लिए, मिनल वाही अल्लाह से बचाने वाला कोई, मैं वलीन कोई दोस्त, वला और ना ही नसीर कोई मददगार। तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं करने वाले थे, तो ये हमारे लिए भी यही है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, हिदायत देना अल्लाह का काम है, कोई किसी को हिदायत दे नहीं सकता। इंसान दूसरे को बता सकता है, पैगाम पहुँचा सकता है, नबी पैगाम पहुँचा के चले गए, पर हिदायत देना अल्लाह के अख्तियार में है, वो जिसको चाहता हिदायत देता है, और किसको हिदायत देता है, जो हिदायत का तालिब होता है, जो हिदायत लेना चाहता है। और क्योंकि हिदायत बगैर मांगे नहीं मिलती, हिदायत मांगने से मिलती है, बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला बिन मांगे देता है, पर हिदायत मांगने से देता है। और फिर फरमाया कि अगर आपने ये बहुत बड़ा मतलब वॉर्न किया जा रहा है कि और अगर तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इसके बाद के जबकि आ गया आपके पास इल्म, तो फिर आपको अल्लाह से बचाने वाला ना कोई कोई भी नहीं होगा, ना कोई दोस्त होगा और ना ही कोई मददगार। तो इससे क्या पता चला कि हम किसी ना तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर सकते हैं अगर हम फलाह चाहते हैं, और ना ही दूसरे की ख्वाहिशात की पैरवी कर सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल कि कोई हमें दीन सही रास्ते की तरफ बुला रहे, फाइन। लेकिन हम किसी की ख्वाहिशात के पीछे लग के अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो नुकसान हमारा होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा। ठीक, आयत नंबर 121, अल्लज़ीना वो लोग जो आते ना दी हमने, हम उनको अल-किताबा किताब, यतलू वो पढ़ते हैं, यतलू ना वो पढ़ते हैं हु उसको किताब को, हक का जैसा कि हक है तिलावत ही उसकी तिलावत करने का, उलाइका यही लोग हैं, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बेही साथ इसके, वमन यकफुर और जो कि कुफर करेगा, बेही इसका यानी कि किताब का, फउलाइका तो ही यही लोग हैं, हुमुल खासिरून खसारा पाने वाले, जो खसारा पाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने किताब जिनको दी यानी कि कुरान पाक जिनको दिया और वो इसकी तिलावत करते हैं, देखिए तिलावत का मतलब क्या होता है कि पढ़ना और उसको उसके टेक्स्ट को फॉलो करना, पीछे पीछे आना,
तो तिलावत करना इसी को कहा जाता है, और तिलावत कुरान पाक ही की जा सकती है। तो जो भी वो तिलावत करते हैं कुरान पाक की, और किस तरह तिलावत करते हैं, जैसे कि इसकी तिलावत करने का हक है, तो फिर ये लोग यही लोग हैं जो ईमान रखते हैं कुरान पाक पर, क्योंकि वो ईमान रखते हैं तो तिलावत करते हैं ना। और फिर फरमाया, और जो कोई इनकार करेगा, कुफर इस किताब को नहीं मानेगा, इसकी इसको नहीं पढ़ेगा, इसकी तिलावत नहीं करेगा, तो फिर वो किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, वो लोग वो ही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं, वो ही लोग होंगे जो लूजर्स होंगे। तो यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि देखिए कुरान पाक हर इंसान के लिए है, कुरान क्योंकि या अय्युहन नासु कहा गया है कि ए लोगो, सिर्फ ए मोमिनो नहीं आया, सब लोगों के लिए कुरान पाक आया है। कुरान पाक हर एक को पढ़ने पढ़ना है, और इसको इसके चार हकूक हैं हर इंसान पर। नंबर वन के इसको ऐसे पढ़ो जैसे इसके पढ़ने का हक है, यानी कि तिलावत के साथ, तजवीद के रूलिंग्स के साथ, ताकि कोई लफ्ज में जबर जेर और पेश की गलती ना की जाए जानबूझकर भी। क्यों? क्योंकि और अगर नहीं आता तो उसको सीखना चाहिए, जैसे हम दूसरी चीजें सीखते हैं, तो कुरान को सही पढ़ना सीखना हम इसका ही हमारा हक है कि हम इसको सही तरह सीखें कि किसको सही तरह कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। गलती क्यों ना हो? क्योंकि अगर मेजर गलती हो गई तो फिर इसका मतलब बदल जाता है। नंबर वन के इसको वैसे पढ़ो तजवीद के रूलिंग्स के साथ जैसे इसके पढ़ने का हक है। दूसरा हक कुरान पाक का क्या है कि कुरान पाक को गौर से समझ के पढ़ो, सिर्फ ऐसे नहीं कि अरबी पढ़ लो और कुछ पता नहीं कि हमने क्या पढ़ा है। कुरान को कैसे पढ़ो कि इसके एक एक लफ्ज को समझें और इस पे गौर करें कि यहाँ पर ये चीज अल्लाह ताला ने जो ये कहा, जो भी कहा है, वो उसका क्या मतलब है, और उसका हमारे लिए क्या हुक्म है, किस चीज से हमें रोका गया है, वो सब हम पढ़ें इस तरह, ताकि हमारे लिए फायदेमंद हो। क्योंकि हमारे लिए ना किताब तो सब हम सबके लिए आई है, और हम पढ़ने वाले ही को फायदा होगा, छोड़ने वाले को नुकसान होगा। तीसरा हक क्या है इसका कि इसको इसके ऊपर जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान दिल पर असर करते हैं, और जब दिल में कोई बात उतरती है तो वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है, और फिर हमारे एक्शंस उसके अकॉर्डिंगली ही हम एक्ट करते हैं। तो जब हम इसके इसको पढ़ते हैं, ये दिल पे हमारे असर करता है, फिर हमारे अंदर में जो चेंज आता है ना, फिर वो हमारे आमाल में दिखता है। इसीलिए हम हमारे आमाल में कुरान नहीं दिख रहा आजकल, हालांकि हम माशाल्लाह सब लोग बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको वैसे नहीं पढ़ते जैसे इसके पढ़ने का हक है। हम इसको सिर्फ अरबी टेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें नहीं पता होता कि कुरान क्या मैसेज क्या है, कुरान में कहा क्या कहा गया है। तो अल्लाह ताला से हम यहाँ पर दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को इसके चारों हकों के साथ पढ़ने वाला बना दे, और हमारे हमसे ये कबूल फरमा ले, आमीन। इसका चौथा हक क्या है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं गौर से करते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं इसको आगे पहुंचाया जाए, बलागुल मुबीन, वाजह तौर पर आगे पहुंचाना। ये नहीं कि जो हमने पढ़ लिया सिर्फ हमारे लिए, हम उसको शेयर ना करें दूसरे के साथ। तो इसका हमें हुक्म दिया गया है कि बलागुल मुबीन, इसीलिए तो बलाग का मतलब जैसा पैगाम है वैसे ही आगे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम इन चारों हकूक को अदा करने वाला बना दे, आमीन। या बनी इसरा आयत नंबर 122, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उस गुरु याद करो नियामती, मेरी नियमतें, ये जो या है ये प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन, अल्लती, वो जो, देखिए नेमत मोनस है तो इसीलिए अल्लती आया है। अगर नेमत अगर जो अगर यहाँ पर फजल होता जो कि मुजक्कर है तो फिर जालिका आता है। ठीक है, दिस इज अ ग्रामेटिक पॉइंट। अनअमतु, देखिए यहाँ पर भी ता के ऊपर दम्मा है, इसको मुअन्नस, इसको ता कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन, नो सॉरी फर्स्ट पर्सन मैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दम्मा आ गई। तो अनअमतु, याद करो ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतें, वो जो मैंने इनाम की, अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर, वा और अन्नी, यहाँ पर भी या है जो कि इसका फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन का या है, वह अन्य और बेशक मैंने फदल तू, देखिए यहाँ पर भी ता के ऊपर दम्मा है, तो यानी कि मैंने फजल किया, मैंने कुम तुम पर फजीलत दी, मैंने तुमको अलल आलमीन तमाम दुनिया वालों पर। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला नहीं तजजी काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शई अन कुछ भी, वा और ला नहीं युकबलू कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे अदलुन कोई बदला, वा और ला नहीं तंफ़ुहा नफा देगी उसको, शफ़ातुन किसको उस नफ्स को, शफ़ातुन कोई सिफारिश, वा और ला नहीं हम वो यून सरून वो मदद ही किए जाएंगे। 21 आयत नंबर 122 और 123 ये वो आयात हैं जो हम पीछे सूरह बकरा में एज इट इज पढ़ कर आए हैं। आयात नंबर 47 एंड 48 एग्जैक्टली सेम आयात थी, कुछ अल्फाज की तरतीब बदल गई है लेकिन आयात सेम थी। वहां पर भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी फजीलत याद करवा के, अपनी नेमतें याद करवा के फरमाया कि हमने आपको इनाम किया बहुत सारी नेमतों के साथ और हमने आपको फजीलत दी तमाम जहान वालों पर। तो तुम उस दिन से डरो जिस किस दिन से, यानी कयामत के दिन से, जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा और ना ही किसी से कोई भी बदला लिया जाएगा। वहां फिदिया आया था कि नहीं फिदिया कबूल किया जाएगा किसी से और ना ही किसी की सिफारिश किसी के कोई काम आएगी और ना ही वो लोग किसी वो ही मदद किए जाएंगे। तो ये बहुत दो टोक अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात बता दी। तो इन आयात से हम लोगों ने क्या सीखा कि देखिए शफाअत का थोड़ा सा मसला है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं इस बुक का नाम इस बुक से, इसका नाम है शफाअत का बयान और ये मोहम्मद इकबाल गिलानी की किताब है। तो हम इसे स्क्रीन को थोड़ा पॉज कर देते हैं। जी तो हम लोग शफाअत के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं ताकि तो आप सबके इंसान हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। शफाअत इज अ वेरी बिग थिंग राइट, और ये पहले भी मजमून आ चुका है और अब दोबारा आया है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको इस किताब में से पढ़ के बताना चाह रही थी। आई विल ट्राई टू समराइज शॉर्ट। देखिए अल्लाह ताला तमाम इख्तियारात का मालिक है क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो मुदब्बिर है। हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ कर आए हैं और तमाम की तमाम कायनात मखलूकात इंसान जिन मलाइका तमाम चरिंद परिंद जो कुछ भी आसमान और जमीन और उन दोनों के दरमियान है वो सब उसकी मखलूक है और हम सब उसके मोहताज हैं। किसी को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार कुछ इख्तियार नहीं दिया क्योंकि वो मालिक है। इख्तियार थोड़ा सा जो दिया है वो उसके अलावा शफाअत के बारे में हम पढ़ें तो हम सब उसके मोहताज हैं। और क़यामत के रोज़ शफाअत किसको देना है, किस किस को नहीं देनी, किसके लिए किसी के पास कोई मजाल नहीं होगी कि अल्लाह ताला के पास सिफारिश कर सके, एक्सेप्ट दोज जिसको अल्लाह ताला इजाजत देंगे कि आप फलां बंदे के लिए सिफारिश करें या जिस बंदे के लिए सिफारिश करने का हुक्म होगा उसके लिए वो सिफारिश कर सकेंगे। अच्छा कि हमें कैसे पता चले, देखिए हम इसको हम कुरान पाक में चंद आयात हम बताते हैं कि जिससे ये बात पता चलती है। सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, कि कहो सिफारिश सारी की सारी अल्लाह ही के इख्तियार में है। फिर सूरह आयतुल कुर्सी जो हम एवरी डे पढ़ते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके, कोई भी नहीं। सूरह कहफ आयत नंबर 26, वला युश्रिकु फी हुक्मिहि अहदा, क्या मतलब, और नहीं है कोई शरीक उसके फैसलों में कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, वो अपने फैसले में किसी को शरीक नहीं करता।
आयत नंबर सूरह रात आयत नंबर 41 वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्कबा लिहुक्मिहि, और अल्लाह अकेला ही फैसला करता है और उसके फैसले पर कोई नजर सानी करने वाला नहीं। फिर जैसे कि हम देख अभी हमने पढ़ा कि ईसाई लोग जो हैं नसरानी वो हजरत ईसा अपने मरियम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, और या फिर ट्रिनिटी का जो इनका बिलीफ है उसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह अलमाइदा आयत नंबर 17। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا। کیا مطلب؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ساری زمین اور زمین میں سب بسنے والوں کو ہلاک کرنا چاہے तो किसकी मजाल है कि उसे उसके इरादे से रोक दे। सही। तो इससे फिर इसी तरह जो ये सूरतुन नबा आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमर रहमान ला यमलिकूना मिनहु खिताबा। क्या मतलब? रब है आसमानों और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है उसका, रहमान है और बड़ा मेहरबान नहीं है, वो ऐसा जबरदस्त है कि नहीं होगी किसी को उसके आगे बोलने की मजाल, कोई उसके आगे बोल नहीं सकेगा। फिर आयत नंबर 38 में भी सूरह नबा का अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ्फा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़्ज़ना लहु रहमानु وقال صوابا। क्या मतलब? कि जिस रोज रूह यानी हजरत जिब्राइल मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो और फरिश्ते सफ बांधे खड़े होंगे अल्लाह के हुजूर, या जिस दिन यानी कि कयामत के दिन नहीं बात कर सकेंगे मगर जिसको इजाजत देगा रहमान, और बेशक और वो ठीक ठीक बात कहेगा। तो क्या पता चला कि शफात क़यामत के दिन पूरे का पूरा अख्तियार अल्लाह वाहदहु ला शरीक के पास है, और कोई उसको नहीं कह, किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई कह सके कि आप फलाने की सिफारिश कर दें तो फलाने की सिफारिश कर दें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मगर जिसके लिए अल्लाह इजाजत दे, और जिसको अल्लाह इजाजत दे सिर्फ वही सिफारिश कर सकेंगे और जिसके लिए अल्लाह इजाजत देंगे। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, आपको मैंने सारी आयात का हवाला दिया है। देखिए ना तो कोई उस दिन कोई ना अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी महबूब हस्ती अल्लाह उज्जल की पुरजलाल अदालत में अपनी मर्जी से सिफारिश करने की जसारत नहीं कर सकेगी, ना तो ही कोई वलीउल्लाह और ना ही कोई वलीउल्लाह कह सकते हैं कि जबरदस्ती आप इस फलान अपनी मेरी सिफारिश को मान लें, ना कोई बुरगजीदा हस्ती, कोई मजाल नहीं होगी किसी के कोई कहे कोई मुरीद कहे कि मैं फलाने को मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा, या मेरा फलाना प्यारा फलान जन्नत में ना जाएगा तो मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, या मैं अपने फलाने की गिरफ्त पकड़ लूंगा, दामन पकड़ लूंगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। इन सारी चीजों की निगेशन है इन आयात में, तो अल्लाह ताला से ज्यादा कौन हक होगा? तो फिर हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपके साथ ये सिफारिशात कर ये थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए शफात जो हैगी अल्लाह ताला दरहकी क़यामत के रोज अंबिया सुल्हा और औलिया के लिए एक एजाज होगा जो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाएगा, और जिन गुनाहगारों को अल्लाह करीम माफ फरमाने का फैसला कर चुके होंगे उन्हें जन्नत में ले जाने के बजाय अपने मुकर्रब महबूब बंदों को ये एजाज अता फरमाएंगे कि वो उनके लिए सिफारिश करें और उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाएं। तो क्या पता चला? अल्लाह ताला अपन जो फैसला कर चुके हैं फिर उनके लिए अल्लाह ताला अंबिया को और
सुल्हा और औलिया को इजाजत देंगे कि आप इनके लिए सिफारिश करें और उनको ये एजाज बख्शा जाएगा कि आप इनके लिए सिफारिश करें। और इसके लिए सबसे जो शफाते कुबरा है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। कयामत के रोज इतनी शदीद जो है अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होंगे सब मैदान हशर में। और जो उसमें अबू हुरैरा से ये रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के रोज अल्लाह ताला अगले और पिछले तमाम इंसानों को एक हमवार जमीन में जमा फरमाएगा और पुकारने वाला उन्हें आसानी से पुकार सकेगा और देखने वाला आसानी से देख सकेगा। सूरज इतना करीब होगा कि जिस की वजह से परेशानी और तकलीफ का ना काबिले बर्दाश्त होगी। लोग आपस में कहेंगे कि देखो कितना सख्त दिन आ पहुंचा है और कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो तुम्हारे रब के आगे सिफारिश कर सके कि हिसाब किताब शुरू हो। तो वो सबसे पहले वो कहेंगे कि हम किस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे लोग और उनको कहेंगे कि आप तो हमारे आप अबुल बशर हैं, आप हमारे तमाम इंसानों के फादर हैं, तो आप हमारे आपको तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्होंने आपके आगे सजदा किया, तो आप अल्लाह के हजूर सिफारिश करें कि आप देख रहे हैं हम कितनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो अल्लाह हज़रत आदम कहेंगे कि आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी ना था और ना ही इसके बाद होगा। अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दरख्त के करीब जाने से मना किया था लेकिन मैं नाफरमानी कर बैठा जिस वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, तुम लोग किसी और के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे जिनको वह आदम सानी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे कि आप अहले जमीन में सबसे पहले रसूल थे, अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद में शुक्र गुजार बंदा कहा क्योंकि उनका उनका नाम अब्दुल शकूर था। तो आप अहले जमीन की तरफ से सबसे पहले रसूल हैं, आप अल्लाह के हजूर हमारी सिफारिश करें कि दिन का हिसाब किताब शुरू हो। तो वो कहेंगे कि मेरा रब आज इतने में गुस्से में है कि पहले से पहले कभी इतने गुस्से में ना था और ना ही इसके बाद होगा। लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वो हलाक होगी, इसलिए आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, लोग मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप हमारे लिए अल्लाह के हजूर सिफारिश कर दीजिए। अब वो कि हम बहुत सख्त दिन है, हजरत इब्राहिम कहेंगे आज मैं अल्लाह मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी ना था और ना ही इसके बाद होगा। अल्लाह ताला इस पर पकड़ ना ले, दुनिया में मैंने 3 झूठ बोले थे जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, या अल्लाह मुझे इस पर ना पकड़, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे बचा लेना, मेरे अलावा तुम किसी और के पास चले जाओ। लोग हजरत मूसा के पास जाएंगे कि आप वो शायद वो सिफारिश कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत से आपको फजीलत अता फरमाई, आप अल्लाह ताला से हम कलाम होस्ट कर सारे लोगों पर आपको फजीलत बख्शी गई, आप अल्लाह के हुजूर हमारे लिए सिफारिश करें। हजरत मूसा कहेंगे आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है, इससे पहले कभी गुस्से में ना था और ना इसके बाद होगा। मुझसे एक कत्ल हो गया था जिसे कत्ल करने का हुक्म ना था, मुझे अपनी जान की फिक्र है, या अल्लाह मुझे बचाना, या अल्लाह मुझे बचाना, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग चले जाओ, चुनाचा लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे ऐ ईसा आप अल्लाह के रसूल हैं, इसका फरमान है जो उसने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अलका किया और उसकी रूह है, आपने बचपन की उम्र में गोद में रहकर लोगों से बातें की, आज हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है, ना इससे पहले कभी गुस्सा आया, ना आज के बाद कभी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी गुनाह का जिक्र नहीं फरमाया,
जवाब में हजरत ईसा नफसी 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 कहेंगे और फरमाएंगे मेरे अलावा किसी दूसरे के पास चले जाओ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। चुनाचा लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, खातिमुल अंबिया हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, अपने रब के हुजूर हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। चुनाचा मैं मैदान हशर से चलूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब उज्जल के हुजूर सजदे में गिर पड़ूंगा। उस वक्त अल्लाह ताला अपनी हमदो सना के वो कलमे मेरे दिल में डाल देंगे जो इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बतलाए। फिर इरशाद होगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाएं और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा, सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाएगी। मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं इतने आदमियों को जहन्नुम से निकालूंगा और जन्नत में दाखिल करूंगा। दोबारा फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर सजदे में गिर पड़ूंगा, फिर उस वक्त तक सजदे में पड़ा रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, मेरी बात सुनी जाएगी, सवाल करो, दिए जाओगे, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। चुनाचा मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं उसके मुताबिक लोगों को जहन्नुम से निकालूंगा और जन्नत में ले जाऊंगा। इसी तरह 3-4 बार होगा, रावी कहता है मुझे याद नहीं, तीसरी या चौथी बार सिफारिश के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या अल्लाह, अब तो जहन्नुम में कोई भी हद बाकी नहीं रहा, कोई मुआहिद बाकी नहीं रहा सिवाय उन लोगों के जिन्हें कुरान ने रोक रखा था, यानी जिन्हें कुरान के हुक्म के मुताबिक हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहना है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस शफात को शफात कुबरा कहा जाता है, यानी कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे आमाल इस काबिल हों कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश कर सकें। अगर हमारे आमाल दोस्तों वो नाउज बिल्ला दोस्तों अल्लाह ना करे दोस्तों वाले होंगे तो क्या हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर सकेंगे? तो वो रहमतुल्लिल आलमीन है, लेकिन हमें हर चीज़ में शफात की जो बातें मालूम हुई वो यही कि क्या कि कितना मुश्किल दिन होगा, और क्योंकि ये मकाम महमूद जो हम दुआ मांगते हैं नमाज के बाद की दुआ में कि या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर फायज फरमा, तो मकाम महमूद वो आला मर्तबा होगा जहाँ पर ये शफात कुबरा की जाएगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ही कहा जाएगा, मुझे ही अता किया जाएगा। तो ये शफात समझ आ गई होगी आपको कि शफात किसके लिए होगी, कर्ज और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमने पहले भी बताया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ में और तमाम अंबिया में 5 डिफरेंसेस हैं, उनमें से एक डिफरेंस एक फजीलत 5 डिफरेंसेस नहीं सॉरी 5 फजीलतें अता की गई हैं, उनमें से एक फजीलत ये है कि मुझे शफात का जो है मतलब दिया जाएगा कि मैं शफात कर सकूँ। अच्छा, अब ये बात पता चलनी चाहिए आप लोगों को कि शफात जो है वो किसके लिए की जा सकती है, कौन कर सकता है, किस और किससे शफात करवाई जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अंबिया मलाइका और अहले ईमान सिफारिश करेंगे, ये मुस्लिम की हदीस है, लेकिन वो जिनको अल्लाह इजाजत देगा और जिनके लिए इजाजत देगा। ठीक है, शफात और शफात के कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को निजात के लिए वसीले पकड़ने का हुक्म दिया है। इरशाद मुबारक है सूरह अल-माईदा आयत नंबर 35 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वबतगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, उसकी राह में जिहाद करो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे। अब ये देखिए कि 3 बातें की गई कि नंबर 1 तकवा इख्तियार करो, नंबर 2 वसीला तलाश करो, नंबर 3 राह में जिहाद करो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वसीला क्या है,
हमारे दिमाग में वसीला जो है, बहुत हम देखते हैं क्वेश्चंस आते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वास्ता देके हम वसीला देके दुआ मांगे, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें तीन वाक्यात दिए गए जिसमें ये बताया गया है, मैं वो अगर पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे कि उनसे ये बात पता चली कि जिंदा इंसान से हम दुआ करने का कह सकते हैं जो लोग जिंदा हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आया और उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इनायत अता करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम खुद दुआ करो और फिर उसके लिए दुआ फरमाई, और अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो दूसरा ये तिर्मिजी की रिवायत है। दूसरा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर में कहर पड़ गया, और जो है आप उन्होंने आप तो हजरत उमर रदी अल्लाह उन्होंने हजरत अब्बास जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उनसे उनके पा उनके वसीले से बारिश की दुआ की तलब की और फरमाया कि या अल्लाह, हम पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला तेरे पास लाते थे और तू हम पर बारिश बरसा देता, अब हम अपने नबी के चचा का वसीला तेरे पास लाए हैं, हम पर बारिश बरसा दे, और उसके बाद बारिश हो गई। तो इसमें दो बातें देखी, पहले वाली में ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाबीना शख्स को कहा कि तुम खुद दुआ करो और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। इसमें भी हजरत उमर ने खुद पहले दुआ की और फिर हजरत अब्दुल्ला जो अब्बास जो थे उनसे कहा कि हम आप उनको वसीला बनाया कि वो दुआ करें। और तो इससे क्या पता चला कि हमें इन इन इनकी रोशनी में बिल्कुल पहली रिवायत का ताल्लुक वो तमाम मुहद्दिसीन के मुताबिक के नजदीक बिल इत्तफाक, आई मीन कि इनसे क्या पता चला कि हम दूसरे जो जिंदा इंसान से दुआ की अपील कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नेक हो, साले हो, मुत्तकी हो और जिस पर हम ट्रस्ट करते हो हम उससे कह सकते हैं। लेकिन इन आयात से कहीं ये नहीं पता चलता रहदी अहादी से कि जो फौतशुदा लोगों को हम वसीला बना सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे खुद के मोहताज हैं कि हम उनके लिए दुआए मगफरत करें। ठीक, तो ये इंशा ताला उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वसीले से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी आयात कोट की गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुरान पाक के डिफरेंट सूरास की, और उसके मुताबिक कि जैसे मैं एक पढ़ देती हूँ, सूरह बकरा में हम पढ़ कर आए आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू वअमिलू सालिहाती उलाइका असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो लोग जन्नत में जाएंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। तो ईमान और आमाले सालेह का हम वसीला बना सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसीला तलाश करो। तो वसीला क्या है? ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल और आमाले सालेह। ठीक है, इन सारी आयात से ये पता चलता है, यही वसीला अल्लाह ताला ने फरमाया कि तलाश करने का हुक्म दिया है। फिर शफात का, जो शफात, इसके बाद ये तो बहुत लंबी किताब है, मैं बस सिर्फ सिर्फ आपको एक और हदीस पढ़ना पढ़कर सुनाना चाह रही थी कि जो हमने कि कैसे शफात होगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करेंगे। तो एक हो गया आमाले सवाले, दूसरा अल्लाह ताला की, अब दूसरा जो हम किस किस को वसीला बना सकते हैं, अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों का वसीला हम दे सकते हैं कि या अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, सारे खूबसूरत नाम उसी के लेकर कि तू गफूर रहीम है, तू हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ये है वसीला दूसरा, कि हम अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों का वसीला बनाकर। एक और वसीला जो है इसको कहा गया कि आप इसका वसीला बनाकर हम दुआ कर सकते हैं। फिर उसके बाद के कुरान पढ़कर हम दूसरे के आगे कह सकते हैं कि आप हमारे लिए सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ने से हम जो है अल्लाह ताला वसीला बनता है कि हम अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुआ दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर अजान के बाद की दुआ, फिर जो जन्नत और मतलब के दुआएं मांगने से हम कह सकते हैं अल्लाह ताला के हमारे इन इन चीज़ों से हम वसीला मांग सकते हैं। लेकिन हम इसके अलावा जो है फिर इसमें बहुत सारा
मिसकंसेप्शंस हैं, अल्लाह ताला हमारे सबके मिसकंसेप्शंस को दूर करे। आई ट्राई टू समराइज एज मच पॉसिबल इन दिस लिटिल टाइम। उम्मीद है कि अगर कोई कंसर्न मतलब हो तो हम दोबारा शफात का बयान से हम दोबारा भी बात कर सकते हैं आगे जाके इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम अपना सेशन इधर ही ख़त्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله see you next time الله يكرمكم السلام عليكم ورحمة الله